हाय गाइस, तो आ गया है दशहरा और आज है सप्तमी। तो हम पूरे फैमिली के साथ जा रहे हैं दानापुर का मूर्ति देखने। कहा है कि बिहार में दानापुर का और डगबंगला का मूर्ति बहुत फेमस है, तो आइए चलिए आपको भी दिखाते हैं। अब बिना पेट्रोल के गरिया तो चलेगा नहीं ना, तो आ गए हैं पेट्रोल पंप, गरिया में पेट्रोल डलवाने के बाद चलेंगे हम लोग दानापुर। अब रास्ते में भी बहुत सुंदर सुंदर दुर्गा जी दिख गए हैं, तो आइए आप लोग भी देख लीजिए। अब भाई साहब, दशहरा में रास्ता में जो लाइटिंग का कमाल है ना, वो तो एकदम आनंदमय है। ये देख रहे हैं एकदम भुकझुक भुकझुक कर रहा है, वाह क्या लाइटिंग का कमाल। दशहरा के टाइम ऐसा नहीं है कि दुर्गा जी का ही प्रतिमा दिखेगा, काली जी का भी प्रतिमा दिखेगा। अब देख रहे हैं पूरा रोडवा खाली है, कहे कि सप्तमी के दिन ना 25% लोग घूमने के लिए निकलता है, इसलिए हम लोग दिमाग लगा के आज ही गाड़ी से निकल गए घूमने के लिए। आई देख रहे हैं भाई साहब को, खुशी की चमकान की मुस्कान की बाल शॉर्ट। पीछे देख रहे हैं दोस्त भाई लोग, पूरे फैमिली के साथ घूमने जा रहे हैं हम। आप लोग सोच रहे हैं भाई साहब क्या बड़बड़ बड़बड़ बोल रहे हैं, ये बता रहे थे ना हमने की ब्लॉगिंग करे के चक्कर में हमने कोई मोबाइल वाले के ना भाग जाए, इसीलिए हम अपना मोबाइल नहीं निकाले, हम अपना मोबाइल पॉकेट में रखा है। भाई अपने आईफोन से कर रहे हैं। हम लोग दानापुर आ चुके हैं, अब हम लोग दानापुर का पहला मूर्ति देखेंगे। अब यहाँ से हम बोले तू ही बोल। प्रेम भाई साहब के अंदर का ब्लॉगर जाग गया। यहाँ पे मूर्ति का सुंदरता ही एकदम अलग है। लूडो गोटी वाला गेट से स्वागत हो रहा है हम लोग का, देख रहे हैं प्रेम भाई साहब 5 मिनट से भगवान से प्रार्थना करके मांगे जा रहे हैं। बस कर भाई, हम लोग के लिए भी कुछ छोड़ दो, पर ये हम सब की माँ है, हर बच्चों का मांगा हुआ मनोकामना पूरी। भाई साहब देख रहे हैं ये गलियों में जाम लगाए हुए, एकदम रगर रगर के सब जाएगा आज। यहाँ माँ दुर्गा की आरती की जा रही है, ध्यान से देखिए दुर्गा माँ झूला पे है, वो झूला भी झूल रही है। दानापुर का सबसे फेमस मूर्ति है ये, खासकर यहीं का मूर्ति देखने के लिए हम लोग दानापुर आते हैं। कैमरामैन झूमर पे फोकस करो, जिनका दिल करे वो आरती कर सकते हैं। ऐसे ही नहीं कहते हैं कि दानापुर का मूर्ति बहुत प्रसिद्ध है, हर साल कुछ नया कुछ अलग ही रहता है। आप लोग हमको भी बहुत देर से मिस कर रहे होंगे, तो चलिए हम अपना भी शक्ल दिखा दे आपको। ही कैसे लग रहे हैं, ठीक लग रहे हैं ना, पूरा फ्रेम में आना चाहिए। अब आपको तो बताना ही भूल गए कि हमारे यहाँ भारत माता की प्रतिमा बैठाया जाता है। आइए आपको जादू दिखाते हैं। धीरे धीरे अब तारा दिखने लगा। कैसा लगा मेरा जादू, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। हर पंडाल का अलग तरीके का ही लाइटिंग है, जैसे यहाँ का देख लीजिए, ये प्रतिमा देखिए बहुत छोटा है बट कितना सुंदर लग रहा है। एक और प्यारा सा मूर्ति, ध्यान से देखिए दुर्गा माँ का मुकुट कितना प्यारा लग रहा है दुर्गा माँ पे। अब थोड़ा सा प्रसाद खा लेते हैं, अब दशहरा घूमने आए हैं प्रसाद ना खाएं, ऐसा हो सकता है क्या भला। अब देख रहे हैं हमको प्रसाद का के कितना खुश है हम, पूरा फैमिली दशहरा घूमने आए हैं, थोड़ा सा रीलो बना लेते हैं। देख रहे हैं दुर्गा जी के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान है, बिल्कुल अद्भुत है। दुर्गा माँ घोड़े पे सवार होकर महिषासुर का वध कर रही है। अब यहाँ देखिए बिल्कुल केदारनाथ मंदिर की तरह पंडाल बनाया गया है दानापुर में, देख रहे हैं पूरा सुरक्षा का ध्यान रखा गया है, एकदम भव्य पंडाल बनाया गया है। और ये पंडाल अगर आपको देखना है तो राजा बाजार आ जाइए। अब हम लोग आ गए हैं राजा बाजार और यहाँ का सजावट एकदम अलग लेवल का रहता है। पंडाल के साथ साथ पुल को भी सजा दिया जाता है और उसके बाद जो सुंदरता निखर के आता है ना, कोई बचवा इसको देख ले तो डर के मारे घर से नहीं निकलेगा, कहेगा कि जाएंगे तो रक्षा स्वाप पकड़ के उल्टा लटका देगा हमको। और ये पंडाल आपको देखना है तो राजा बाजार आना पड़ेगा आपको। भाई साहब को गरिया के अंदर से मजा नहीं आ रहा था, गरिया का छतवा खोल के बाहर का नजारा ले रहा है। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। देख रहे हैं भाई साहब सिंह बेच रहे हैं, पैदाइशी तो है नहीं हम लोग के पास, नकलिए वाला लगा के काम चलाएंगे। जय शिव शंकर। देख रहे हैं राजा बाजार का लाइटिंग का खूबसूरती, लाइटवा एकदम भुकझुक भुकझुक कर रहा है, ये 10 दिन ऐसे ही जगमगाते रहता है पूरा बिहार। अब देख रहे हैं एकदम बड़का कैमरा से फिल्म की तरह शूट हो रहा है, काहे कि यहाँ का पंडाल देख रहे हैं एकदम बाहुबली का सेट जैसा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। अब देख रहे हैं भाई साहब को रहा नहीं जा रहा है, फिल्मों वाला कैमरा से फोटो खिंचवाने जा रहे हैं अंदर भगवान जी के साथ, कहे कि हमरो एक दो को फोटो हुआ आ जाएगा बढ़िया बढ़िया। देख रहे हैं हर इंसान माँ के पास ही आके अपने दुखों का निवारण मांगता है, क्योंकि पता होता है हमें कि हमारी माँ ही तो है जो दुखों से बाहर हमें निकालेंगे, क्योंकि हर बच्चा अपने दुखों को माँ को ही तो जाके बताता है। तो गाइस हम लोग बहुत ज्यादा घूम लिए हैं, तब अब जरा सा पेट पूजा भी कर लिया जाए, तो हम लोग रुक के ना नूडल और मंचूरियन खा रहे हैं, ये लोग भी खा रहे हैं गाइस। खा पी के अब पेट भर गया था, हम लोग इसको देख के उई करते हुए आगे जा रहे हैं घूमने। अभी भाई सबको देखिए, हम सबको चाउमीन खिलाते खिलाते इनको नींद आ गया। अब इनको देखिए आइसक्रीम नहीं खाएगी, बोल रही है 2 घंटा पहले बोले थे आप 4 घंटा बाद लाए, अब नहीं खाएंगे। अरे यार कहीं सब सीरियस तो ना ले ले ले, पूछो ना करते, लगता है दादी पूछ रही है, खा लो खा लो।
का करे, खा लेते ना तो यही चल जाएगा। ये भी बहुत फेमस है राजा बाजार का मंदिर, हर साल गुफा का पंडाल बनाया जाता है। और ध्यान से देख रहे हैं, गुफा के पंडाल के बाहर भी मूर्ति है और अंदर दुर्गा माँ का प्रतिमा बैठाया गया है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। देख रहे हैं कितना बढ़िया पंडाल लग रहा है और क्या लाइटिंग किया गया है। ये परसा का पंडाल है, यहाँ का दुर्गा जी का प्रतिमा बहुत फेमस है पटना में। पंडाल के अंदर का डेकोरेशन देख रहे हैं, बहुत खास है। और यहाँ का प्रतिमा देखिए, मतलब दिल खुश हो जाता है देख। यहाँ पे हमारे प्यारे से कृष्ण जी भी हैं, इनको देखने के बाद यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। मतलब हम सच बताते हैं, एक घंटा यहाँ पे हम रुके हैं। भाई साहब कितना प्यार से इस पंडाल को बनाया गया है, इसे देख के ही महसूस हो रहा है। पूरे एक घंटा यहाँ बिताने के बाद अब हम लोग पूरे सुकून से यहाँ से जा रहे हैं, बाय बाय करके। प्रेम भाई साहब तो एकदम खो ही गए हैं, इनको तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। यहाँ का मूर्ति देख हम लोग को ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा घूमना सफल हुआ और साथ में आप लोग को घुमा के बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये लाइटिंग देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग कहाँ हैं। अभी हम लोग डाक बंगला पे हैं और पूरे बिहार में सबसे फेमस यहाँ का मूर्ति और पंडाल होता है। रात के 11 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक घूमे हैं हम लोग दुर्गा पूजा। तो गाइस अब हम लोग का घूमना खत्म हो गया, देख रहे हैं ये नींद आ गया, मुझे नींद आ रहा है। हमारा घूमना खत्म हो गया है, हर जगह घूम लिए, पूरा पटना छान मारे हैं। सीधे कैमरा टिक रख दानापुर से लेके असियाना, राजा बाजार, फिर परसा, फिर गांधी मैदान घूमते हुए हम लोग मरीन ड्राइव से जा रहे हैं घर। गाइस खा लिए हैं हाका नूडल्स, पेट भर गया है, अब जाएंगे सूट जाएंगे, कल अठमी है, कल का जुगाड़ कल देखेंगे, आज के लिए बाय। भाई साहब हम भी, हमको तो भूले नहीं ना आप लोग। अब पीछे वाला गाड़ी भी हम लोग के साथ साथ आ गया है गाइस, हम लोग साथ में अब घर जाएंगे। टाटा बाय बाय। कहां जा रहा है जी? ए ब्लैक मामा।